धार जिले की औद्योगिक नगरी पीथमपुर में नामी कंपनियों का सरिया और सीमेंट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। दोनों ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने 12 दिन के भीतर ही लोगों को झांसे में लेकर अपना शिकार बनाकर लाखों रुपये ऐंठ लिए। ठगी की वारदात के मामले में पीथमपुर नगर पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह बघेल ने खुलासा करते हुए बताया कि 1 जून को सावेर में रहने वाले पंकज नामदेव और 12 जून को लोकेश पिता अरुण कौशिक देवासी देवासगेट उज्जैन को बाजार भाव से कम भाव में शिवांगी और मोयरा सरिया, इसके अलावा कोरल पेपर्स और सेक्टर 3 से सीमेंट दिलवाने की बात पर दो अज्ञात बदमाशों ने दो युवकों से 2,46,000 रुपये ठग लिए और चंपत हो गए। पुलिस पूरे मामले में फरियादियों की शिकायत का मामला दर्ज कर गर्मजोशी के साथ ठगी की इस वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपी तलाश में जुट गई थी। पीथमपुर से संजय सोनकर की रिपोर्ट। सर, आपके थाने अंतर्गत एक खुलासा किया है, क्या है मामला? मामला यह है कि हमारे यहाँ पर शिवांगी और मोयरा स्टील कंपनी है, इन स्टील कंपनियों से सस्ता सरिया लोगों को दिलाने के नाम पर ठगी की जाती थी। इसमें दो आरोपी हैं, इन्होंने एक लोकेश कौशिक हैं, देवासगेट उज्जैन के रहने वाले हैं, इसके अलावा एक पंकज नामदेव है। इनसे इन्होंने कहा कि हम आपको सस्ता सरिया शिवांगी से दिला देंगे और मोयरा स्टील कंपनी से दिला देंगे। फिर इन लोगों का संपर्क हुआ, वो लोग यहाँ अमाउंट लेकर के आए, इन्होंने उनसे अमाउंट लिया और अमाउंट लेकर के ये फैक्ट्री उनके बाहर उनको बिठा करके ये बोल के गए कि अभी हम इसको लेकर के आते हैं और अभी आप उससे आपकी मैनेजर से बात करा देते हैं और आपको डिलीवरी हो जाएगी। फिर उसके बाद इन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया और वहाँ से भाग गए। तो इसमें हमने अभी जो आरोपी हैं अभिषेक, उसको गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से जो इनकी रकम थी, टोटल इन्होंने 2,46,000 रुपये की ठगी की थी, उसमें से 35,000 रुपये उससे बरामद किए हैं। और इसका जो साथी है अर्जुन सिंह, वो अभी फरार है, जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।